में जाते हैं, विवाह की रेखा। विवाह की रेखा के बारे में ऑलरेडी मैंने बात करी हुई है, ऑलरेडी पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ाया भी है, आसान है। विवाह की रेखा बुध के पर्वत में इसी पोर्शन पे होता है, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। जितनी रेखाएं आपको दिखेंगी मोटी थिकनेस के साथ आगे बढ़ रही हैं, उतनी विवाह होने की संभावना है। पहला अफेयर रहेगा, टूटेगा, फिर दूसरे बार में शादी होगी। अगर नीचे वाली रेखा छोटी है तो, और ऊपर वाली रेखा बड़ी है तो, अगर उल्टा है, नीचे वाली रेखा छोटी है और ऊपर वाली रेखा, सॉरी, नीचे वाली रेखा बड़ी है और ऊपर वाली रेखा छोटी है, इस तरीके से, तो फिर शादी के बाद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो कुछ समय तक चलेगा फिर टूट जाएगा। अगर विवाह की रेखा में बायफोक आ गया, इस तरह से निकल के आए, तो पता है क्या होता है, बड़ा बड़ा मजेदार किस्सा है, सुन के ही हंसी आएगी, साली आधी घर वाली हो जाती है। अगर विवाह रेखा में ऐसा फोर्क बन जाता है, मतलब दो शाखा मल के निकले, तो एक ही घर में दो बीबियां हो जाती हैं, ठीक है, जो जिस अगर किसी पुरुष के हाथ में है तो 100% जीजा का साली के साथ अफेयर होगा, और अगर किसी महिला के हाथ में है तो देवर के साथ अफेयर होगा, कनेक्शन बनेगा। अगर त्रि बन जाए, मतलब कि त्रिशूल आ जाए इसमें, इस तरह से रेखा बनी है, एक त्रिशूल, इस तरीके का त्रिशूल आ जाए, तो बहुत ज्यादा विवादित होता है। ऐसे लोग घर में एक, बाहर में एक, फिर किसी दूसरे जगह पे एक, तीन तीन रखते हैं, तीन तीन मेंटेन करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि किसी दो को इसको छोड़ना पड़ता है, और एक के साथ वो लास्ट में लाइफ बिताता है, ऐसा रेयरेस्ट मिलेगा। एक हिमाचल में है महाशय, उनका होटल है, तीन चार होटल है, पैसा बहुत है, पहले तो शादी करी, फिर बाद में साली को भी पटा दिया, और साली से भी शादी कर ली, और साली को पता है कि हाँ उसकी दीदी से, दीदी ये जीजा जी है मेरे, तो पहले तो बात बनी, मतलब थोड़ी सी बिगड़ गई, पहली वाली पत्नी ने तो बहुत कुछ इधर उधर कर दिया, फिर लड़की के घर वालों ने चलो कह दिया, चलो ठीक है, एक ही जमाई है, कोई इश्यू नहीं है, दोनों बेटियों को मतलब मान गए सब, लेकिन दोनों अपने, ये दोनों पत्नियों को वो अलग अलग रखते हैं। छोटी वाली एडजस्ट करना करने के लिए रेडी थी कि वो दीदी के साथ रह जाएगी, लेकिन उसकी दीदी अपनी बहन के साथ नहीं रह सकती है, इसलिए हस्बैंड ने दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, सेम सिटी में है, सेपरेट है, दोनों को पता है, तो ये कंडीशन है। ये तो वाई है, इसको त्रिशूल कैसे बोलेंगे? नहीं, वाई था ना, वाई की बात कर रहा हूं मैं, दो वाई मतलब बीवी की बहन के साथ शादी या उसके साथ अफेयर, ठीक है। त्रिशूल होना मतलब तीन अफेयर्स, तीनों में जब तक खून गर्म तो तीनों को साथ अच्छे से घूमे फिरे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, जैसे बुढ़ापा नजर आता है वो किसी एक के पास जाकर सिमट जाता है, स्पेशली जिसके साथ पहली बार शादी होती है उसी के साथ सिमटता है, बाकी दोनों को साइड कर देता है। इसमें बच्चों का भी अगर यहाँ पर छोटी रेखा के ऊपर, इसके ऊपर इस तरह, सॉरी, इस तरह की सीधी और मोटी रेखाएं निकलती हैं तो पुत्र संतान, ठीक है, और अगर पतली रेखाएं निकले और थोड़ी सी लहरदार निकले, इस तरह से पतली रेखाएं निकले, सुंदर देखने में हो, तो वो कन्या संतान को दिखाती हैं। अगर आपको इस जगह पे नहीं मिलती हैं रेखाएं, छोटी मोटी पतली या मतलब सुंदर, तो फिर हमें यहाँ पर देखना, जो मैंने पहले ही बताया था, शुक्र का जो ये वाला, यहाँ पर जितना बड़ा द्वीप
पुत्र संतान जितना छोटा द्वीप कन्या संतान। ठीक है, इस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे। बता दीजिए। सो मैं हूँ। डाइवोर्स का होता यह है, ये रेखा सीधी, ठीक है, छोटी रेखा इस तरह से रेखा निकली है, और डाउन होके हृदय रेखा को क्रॉस कर जाए, ये डाइवोर्स का साइन होता है। ठीक है, विवाह की रेखा निकले और नीचे झुककर हृदय रेखा को काट के आगे बढ़ जाए, तो ये कहलाती है डिवोर्स की रेखा। अगर टच करे तो पत्नी बीमार होकर मर जाती है, सिर्फ टच हो पत्नी बीमार मर जाती है, या फिर बीमारी की वजह से पति उसको छोड़ देता है। ठीक है, और अगर झुकी हुआ हो थोड़ा सा, ऐसे कर्व लिए हुए है, तो लाइफ पार्टनर बीमार मिलता है। कोई ना कोई इसको हमेशा, अगर कोई ना कोई बीमारी 12 महीने ही रहती है, और अगर लड़के के हाथ में है तो कोई ना कोई बीमारी, सॉरी, लड़की के हाथ में है तो पति बीमार, और लड़के के हाथ में है तो पत्नी बीमार। अगर यही रेखा ऊपर की ओर चली जाए, ऐसे इस तरह से ऊपर की ओर उठ जाए, तो इनका जो स्पाउस होगा वो एक टाइम के बाद धार्मिक बन जाता है, आध्यात्मिक धार्मिक, दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही काफी ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, समाज सेवा, लोगों के लिए हेल्प करना, ये सब काम करने लगते हैं। सर धोखा भी मिल जाता है ना कई बार। धोखा मिलने की रेखा ये है, ऐसे कटी रहे, काट के निकल जाए ओके सर, ठीक तो धोखा। और डाइवोर्स तो होता ही है, जैसे ये डाउनवर्ड हो गया, घर वालों से मैच नहीं हुआ, या लड़की गई अपने ससुराल और बस ससुराल पहुंचते ही झगड़ा चालू हो गया, ज्यादा अच्छे से निभा नहीं पाई, अपने आप को एडजस्ट नहीं करा पाई, डिवोर्स हो गया। एक मेरी खुद सर की ही, हाँ, बताइए, आप बताइए पहले। मेरी एक खुद की साली साहिबा है, शादी के 6 महीने बाद टाटा बाय बाय करके आ गई अपने घर, तो उसके हाथ में ये निशान था, मैंने ऑलरेडी उसके फादर को बोल रखा था कि भाई आप देखना सोच समझ के, लड़के का बैकग्राउंड समझ देख बुख के करना, लड़के को कोई दोष नहीं था, लड़की का ही दोष है क्योंकि उसका शादीवादी नहीं है, उसके अंदर वो बेसिक मैनर ही नहीं था कि डील कैसे करते, बस अपना जो मर्जी आना वो करना, ये बन जाता है। जी किरण जी पूछिए। सर लड़की के हाथ में ऐसे रेखा झुक रही होगी तो मतलब उसका डाइवोर्स होगा, लड़की का खुद का, है यस ना? यस हाँ ओके। और मैंने कहीं में देखा है कि दो दो तीन तीन शादियों के बाद भी डाइवोर्स होते रहते हैं, तीन शादियों के बाद, तो उसकी ऐसे तीन रेखा ऐसे टर्न हो रही होंगी 3 टाइम्स। 3 रेखा टर्न हो रही होंगी, या पहली रेखा टर्न होने के बाद जो बाद दूसरी वाली रेखाएं जो निकली होंगी उसमें इस तरह से कट निकल गया होगा, ओके तो भी यही कंडीशन बनेगा। ओके और जब कईयों का देखा है कि मियां बीवी दोनों का इकट्ठा ही एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है। अब दोनों के हाथ में जीवन रेखा का वो देखना पड़ेगा, अच्छा, वो जीवन रेखा का यहां से नहीं साइज, पता चलेगा। नहीं नहीं यहां से नहीं पता चलेगा, वो जीवन रेखा में एक्सीडेंट में डेथ दिखाएगा। पहला पॉइंट, यदि हथेली में केवल एक ही विवाह रेखा हो तो जातक विपरीत लिंग के प्रति कम आकर्षित होता है, एक ही रेखा बने तो ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का, हाँ चलो बीवी हो गई, शादी हो गई, मैं खुश हूँ, हैप्पी रहता है, हैप्पी एवर आफ्टर।
यदि हथेली में दो विवाह रेखा हो तो जातक विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षित होता है। दो बने तो मल्टीपल अफेयर्स कुछ समय तक चलेगा, फिर टूटेगा, फिर कोई और तीसरा आएगा, फिर टूटेगा। इस तरह से फिक्स एक ही रहेगा, ऐसे लोगों का सिर्फ हमेशा एक फिक्स रहता है, और बाकी जो आते और जाते रहते हैं वेरिएबल बने रहते हैं, एक फिक्स होता है। यदि हथेली में दो से अधिक विवाह हो, जातक में अत्यधिक यौन आकांक्षाएं होती हैं। यदि हथेली में विवाह रेखा न हो तो जातक विपरीत लिंग के प्रति बिल्कुल उदासीन होता है। विवाह रेखा ही नहीं है, और ऐसे लोगों का क्या, ऐसे लोगों का विवाह नहीं हो सकता? ऐसे लोगों का भी विवाह होता है, लेकिन फिर वो बस नाम मात्र का ही होता है। या तो विवाह में बहुत देरी होती है, या तो खुद जातक जो है यह डिसाइड करता है कि चलो अब शादी नहीं करनी है, अकेले ही खुश है। यदि हथेली में विवाह रेखा सीधी हो तो जातक का वैज्ञानिक जीवन, वैवाहिक जीवन सॉरी, सुखमय होता है। सीधी जो मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ की, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ना ऊपर की ओर झुकाओ ना नीचे की ओर झुकाओ, एकदम स्ट्रेट ऐसा। यदि प्रारंभ में विवाह रेखा गहरी हो तथा पश्चात तत्पश्चात उत्तर उत्तर धुंधली होती चली जाए तो जातक का प्रारंभिक जीवन जीवन सुखी तथा बाद में दुखद होता चला जाएगा। दुखद इन द सेंस दोनों एक दूसरे के प्रति जो खिंचाव है वो कम हो जाता है अगर रेखा पतली होते हुए खत्म होती है। हस्बैंड और वाइफ में जो खिंचाव और लगाव रहता है वो खत्म हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। यदि विवाह रेखा का झुकाव हृदय रेखा की ओर हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला शुरू में। यदि जीवन साथी का कमजोर स्वास्थ्य प्रदर्शित करती है, विवाह रेखा यदि हृदय रेखा को काट दे तो जातक के जीवन साथी की आयु कम होती है, या फिर डाइवोर्स होता है, या तो छोड़ के चली जाएगी टाटा बाय बाय, या फिर ये खुद उनको त्याग देंगे। ऐसे भी केसेस है ना आप लोग देंगे, गांव घर में पुराने टाइम में होता था कि एक पहली शादी की, बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, तो बस अब क्या हो गया कि या तो बोलेंगे जा भाई तू अपने घर चल जा, अगर मेरे साथ रहना है तो मैं दूसरी शादी करूंगा क्योंकि मेरे परिवार को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो दो दो शादियां कर लेते थे। मैं देहरादून में जहाँ रहता था अपनी बुआ के यहाँ पे, मेरे ठीक सामने वाली जो आंटी थी वो उत्तराखंड वाले थे, मतलब गढ़वाली थे, तो उनके यहाँ पे दो शादियां थी। तो पहले पहले वाली बीवी से कोई बच्चा नहीं था, दूसरे वाली बीवी से एक लड़का एक लड़की हुआ, तो लेकिन रहते थे साथ ही, ऐसा टेंशन था। यदि विवाह रेखा की कोई शाखा हृदय रेखा को काट रही हो तो जातक को वैवाहिक जीवन में कष्ट होगा। वही बात है, एक ही बात है, काट रही है हृदय रेखा को तो कष्ट होगा, मतलब अपने पति के साथ मेंटालिटी नहीं मैच होगा, या फिर घर में यानी ससुराल पक्ष के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। टूटी हुई विवाह रेखा जीवन साथी से दूरी को दर्शाता है। टूटी हुई रेखा तो भैया पहले अगर किसी के हाथ में आपको टूटी हुई विवाह रेखा दिख जाए, जैसे इस तरह से, फिर इस तरह से ऐसे बढ़ते हुए दिखे, बीच में गैप बन के जाए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना बार बार ये सेम गलती करेंगे, या फिर बार बार सेम गलती करेंगे और बार बार आके माफी मांगेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बार ये एक ही गलती को बार बार हर बार उसको माफ कर दिया। कनिष्का यानी छोटी उंगली की ओर विवाह रेखा झुक रही हो तो जातक के जीवन साथी की आयु लंबी होती है। हाँ, ये लंबा लंबी होती है और आध्यात्मिक होती है। इस तरह से ऊपर की ओर इस तरह से झुक जाए, छोटी वाली उंगली की ओर चली जाए, तो ऐसे लोगों की आयु लंबी, मतलब पति की आयु या स्पाउस या पार्टनर की आयु लंबी होगी, और साथ में अंतिम जीवन काफी आध्यात्मिक हो जाता है ऐसे लोगों का। विवाह रेखा में किसी भी प्रकार का दोष हो तो इसका प्रभाव जातक
और जीवन साथी दोनों पर ही पड़ता है। जातक का अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मन मुटाव दोष में क्या क्या हो सकता है? दोष में एक तो कट हो सकता है, एक हो सकता है ये टूट के जाना, इसके ऊपर एक और कंडीशन बनता है जो कहते हैं द्वीप का बनना, इस तरह के द्वीप बन जाए। द्वीप आपको रेयरेस्ट केसेस में मिलेगा, अगर द्वीप बनता होगा तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति कैसे होती पता है? भाई अंदर वाली और बाहर वाली के चक्कर में फंसा पड़ा रहता है, मतलब खुद का ही ऐसा उसका भजिया बना रहता है ना, कभी अंदर वाली खींचे कभी बाहर वाली खींचे, खुद की गलती से ऐसा फंस जाता है। या अगर ऐसा नहीं होता तो एक बहुत मतलब खराब चीज मैंने देखी है, एक बहुत पिकुलियर केस है, जस्ट उल्टा, कि लड़की ने लड़के को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, ये पंजाब की घटना है, कि उसने सुसाइड कर लिया, लड़के ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये द्वीप बने ना, तो ऐसे लोगों का पार्टनर की वजह या तो सेहत खराब होती है या फिर दुनिया छोड़ के जाते हैं या छोड़ के ही चले जाते हैं पार्टनर की वजह से। जैसे ही शादी होती है इंसान परेशान रहने लग जाता है और पार्टनर ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करता है। विवाह रेखा अंत में द्विमुखी हो जाए तो जातक और उसके जीवन साथी के पारिवारिक संबंधों की प्रगाढ़ता में कमी आती है, जो मैंने कहा फोर्क का हो जाना। इस तरीके से यार इससे ड्रॉ ही नहीं होता, मेरे को टैब लेना पड़ेगा और साथ में पेन लेना पड़ेगा तभी तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, टैब और पेन वाला। इस तरीके के दो भागों में बढ़ जाए तो ये काफी वैसा वाला सिचुएशन रहता है कि अपने ससुराल पक्ष के ही किसी व्यक्ति के साथ अफेयर में चले जाते हैं और पारिवारिक चीजों में थोड़ी मतभेद आनी शुरू हो जाती है। यदि हथेली में चौड़ी छिछली या जंजीराकार विवाह रेखा हो तो जातक का जीवन साथी प्रेम में अविश्वसनीय व्यक्ति होता है। छिछला चौड़ी मतलब हमेशा शक के दायरे में, ये वाला हिस्सा थोड़ा और चौड़ा रहे। हाँ ज्यादा चौड़ी रहे तो फिर ये दिक्कत पैदा करेगी। छिछला मतलब आगे जाकर इस तरह से रेखा निकल के आगे जाकर मतलब पीछे से मोटा बने और सामने जाके रेखा पतली हो जाए, पीछे से मोटी रहे और सामने जाके बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सडनली पतली हो जाए, वो छिछला बन जाता है। जंजीराकार, मैंने अभी तक इतने हाथ देखे हैं किसी में भी जंजीराकार विवाह रेखा नहीं देखी है, तो जंजीराकार अगर कभी दिख जाए तो उसमें भी यही फल आपको समझ में आएगा। अपने पार्टनर के ऊपर शक रहना। जीवन रेखा सूर्य रेखा को छू रही हो तो जातक का विवाह सौभाग्यवर्धक होता है। विवाह के पश्चात ऐसे जातक की प्रसिद्धि, मान और सम्मान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जो मैंने शायद सूर्य की रेखा के समय कल बताया था कि सूर्य की रेखा बने और विवाह रेखा यहां से आके इसमें अगर टच हो जाए तो व्यक्ति की विवाह के बाद बहुत ज्यादा नाम ख्याति मिलता है, या फिर ऐसे लोगों की शादी ही किसी ऐसे घर में होती है जो राजनेता हो। विवाह रेखा पर यदि बिंदु, क्रॉस, द्वीप आदि का चिन्ह हो तो जातक का वैवाहिक जीवन कष्टमय होगा। द्वीप वाला मैंने बताया कि पार्टनर द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, बिंदु में भी और क्रॉस में भी सेम। विद्वानों का मत है कि हृदय रेखा और विवाह रेखा के मध्य की दूरी के अनुसार जातक का विवाह काम या अधिक आयु सॉरी कम या अधिक आयु में होता है। हृदय रेखा से विवाह रेखा जितनी दूरी होती है जातक उतनी ही अधिक आयु में, और जितनी पास होगी उतनी कम आयु में जातक का विवाह होता है।
अगर कनिष्का उंगली और हृदय रेखा के ठीक मध्य भाग में विवाह हो तो जातक का विवाह 30 वर्ष की आयु में होता है। तो आप लोग अपना अपना हाथ देखिए और कनेक्ट कीजिए कि कब कब आप लोगों की शादी हो चुकी है, और जिनकी शादी नहीं हुई है जैसे राहुल जी हैं, आपकी कब तक हो सकती है। सर कौन सा हैंड? लेडीज हैं तो लेफ्ट हैंड, जेंट्स हैं तो राइट हैंड। इतनी लंबी लाइनें कहाँ अरे रहती है? इतनी लंबी लाइन तो नहीं है मेरी, बहुत छोटी है। सर, आपको मैं सूर्य के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सिंपल वाला बोल रहा हूँ ना सर, आप अगर सूर्य को विवाह क्यों रेखा ले। पे ट्रायंगल बन जाए तो? विवाह रेखा में ट्रायंगल बन जाए तो फिर ये उन्नति देता है शादी के बाद। अच्छा सर, एज वाला पॉइंट दोबारा बताइए। एज वाला पॉइंट, अगर छोटी वाली उंगली का जो बेस है, छोटी वाली उंगली का जो बेस है यहाँ और हृदय रेखा के बीच, बीचों बीच अगर रेखा बनती है तो वो एज होती है 30 साल, 30। लड़कों में 30 साल और लड़कियों में 25 साल, ठीक है। लेकिन आज के डेट में थोड़ा सा 5 साल और बढ़ गया है, अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से लड़कों में 35 साल और लड़कियों में 30 साल, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए और 60-60 सालों में भी लोग शादी कर रहे हैं अभी, ठीक है। सर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है सर? विवाह रेखा की छुट्टी नहीं मारा आप लोगों ने, हमारे शुरुआत कहाँ से दोस्त होगी? शुरुआत यहाँ से होती है सर, इस जगह से, जो ये वाला हिस्सा होता है ना हाथ का, छोटी वाली उंगली के नीचे, जहां से स्किन चालू होता है, ब्लैक वाला स्किन खत्म होता है और व्हाइट वाला स्किन चालू होता है, यहां से विवाह की रेखा शुरू होती है। अगर इसके पीछे की तरफ भी गई हो तो सर? हाँ, अगर और पीछे से हो सकता। और पीछे से मतलब स्किन के ब्लैक वाले पोर्शन से अगर निकल के आ रही है तो ये पूर्व जन्म का केस है, पिछले जन्म का केस। अच्छा, पिछले जन्म में सेम स्पाउस आपको मिला था जो इस इसके जन्म में आपके साथ जिसकी शादी हुई थी। बाद अच्छा अच्छा जी सर। हाँ